हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम पुष्पन धाकड़, वेलकम टू फ्लाह अकेडमी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जापानीज मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। इस मेथड में सिंपल हमें लाइन ड्रॉ करनी हो तो इससे मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कितना लिखा है, 21, तो यहाँ पे दो, तो पहले हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक और ये दो, ठीक है। फिर यहाँ पे वन लिखा है, यहाँ एक वन लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हम क्या, यहाँ पे टू लिखा है तो दो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक और दो। यहाँ पे थ्री लिखा है तो तीन, वन टू और ये थ्री, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। जैसे ये है, पहले इसका निकालेंगे तो वन टू थ्री, तो टोटल कितने, थ्री क्रॉस हैं। अब इसके बाद हम इसको इसको देखेंगे, इस जो इसमें जो आ रहा है तो कितना रहा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो टोटल कितना हो गया, आठ। और इसके बाद ये बचा तो वन टू थ्री फोर, टोटल कितना हो गया, फोर। तो इसका आंसर आ गया 483। तो बिल्कुल सिंपल है, 483 आप मल्टीप्लाई करके देख लें तो भी आंसर यही आएगा। अब हम आते हैं थ्री डिजिट नंबर पे। थ्री डिजिट नंबर को भी जैसे हमने अभी सॉल्व करा था वैसे ही करना है। क्या करेंगे हम, यहाँ वन लिखा है तो एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, फिर यहाँ पे टू तो दो लाइन ड्रॉ कर दी हमने, फिर यहाँ पे तीन तो तीन लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कितनी लाइन लिखी है, थ्री, तो हम यहाँ पे थ्री लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू और ये थ्री लाइन। फिर इसके बाद यहाँ पे टू तो वन और ये टू लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे वन लिखा है तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। बस अब सिंपल जैसे हमने पहले करा था वही करेंगे हम स्टार्ट। तो जैसे पहले ये आएगा तो वन टू थ्री, ये अपना तीन आंसर आ गया। फिर इसके बाद हम कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, तो कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो टोटल कितना हो गया, आठ। अब इसके बाद हम कहाँ आएंगे, हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ आएंगे तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, टोटल कितना आ रहा है, 14, ठीक है। इसके बाद क्या बचा हमारा, ये बचा हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो आठ ही लिखा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे 14 लिखा ना, इसका ये जो एक है वो कैरी यहाँ आ जाएगा, तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9। हमेशा ध्यान रखना, कैरी आता है तो हम उसको ऐड कर देंगे। और आखिरी में ये बचा 1, 2, 3, तो ये 3, तो आंसर कितना आएगा, 3, 9, 4, 8, 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3, 9, 4, 8, 3। तो सिंपल क्या किया हमने, पहले यहाँ पे एक क्रॉस ऐसे, मतलब सीधे सीधे एक स्ट्रेट लाइन खींचते थे जो उनके बीच में आता जाता, उनको हम काउंट करते थे। पहले 3, फिर यहाँ पे देखा दो आए बीच में, फिर इसके तीन आ रहे हैं इसके अंडर में दो, और इसके अंडर में तीन ही आ रहा है। और जब हम ऐड करने पर अगर हमारा क्या आता है, अगर इसमें ऐड करने पे हमारा क्वेरी मतलब कैरी वाला नंबर आता है तो उसको हम सामने वाले में ऐड करते। अगर सपोज करो ये भी 10 हो जाता तो हम इसको ऊपर ऐड कर देते, सिंपल। अब हम आते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चंस पे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे, और इसमें है यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। अभी हम लाइन बना रहे थे, जो नंबर लिखा उसे जीरो बनाना है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे कैसे क्या करेंगे देखते हैं। तो इसको बना, जब यहाँ पे वन लिखा है तो आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। जीरो है, जीरो की लाइन ड्रॉ नहीं करते, लेकिन आप ऐसा करो एक अलग पेन से कर लो, इसको काउंट नहीं करेंगे, वो आगे मैं बताऊँगा। और ये टू लाइन ड्रॉ है तो वन और टू हो गया। अब यहाँ पे टू है तो कितना हो जाएगा, ये वन और टू, और ये थ्री है तो वन टू और ये थ्री। तो हम जैसे करेंगे तो ये पहले गया तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये आ गया छः, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, छः। फिर इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे तो ये वाले, तो ये इसको काउंट, ब्लैक जो जीरो वाले लाइन की जो उसको काउंट नहीं करेंगे, वन टू थ्री फोर, तो ये कितना होगा, फोर। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट आएगा और ये कितना हो जाएगा अपना, एक दो तीन, ये हो जाएगा थ्री, और ये वन और टू टू, तो आंसर कितना जाएगा, टू थ्री फोर सिक्स। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपका जीरो होता तो जीरो बारी जो लाइन कट होती है उसको हम काउंट नहीं करते। तो इसी तरीके से आपके जापानीज मैथमेटिक्स ट्रिक होती है फिनिश। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक हमने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।